एकदम से गोली की आवाज आई तो मैं और एक सामने ठेले वाला था वो दोनों बक्के आए थे। ओरिजिनल वाली को तो मैंने उठा करके फिर अंदर रखवा दी। अगर अगर वही पिस्टल उसके हाथ में होती तो न जाने क्या हो जाता। अभी जैसे ये कांड हुआ उसी टाइम चेतक निकल रही थी, हमने खूब इशारा किया उसको, चिल्लाया लोग बाग, लेकिन वो रुकी नहीं। ड्यूटी थी चेतक में, मैं जा रही थी तो उसने जैसे फायरिंग के ये भग रहा था तो पब्लिक को देख के मैं भगी। मेरे चोट यहाँ पे आई है और यहाँ कमर में भी चोट दर्द। पुलिस ने तत्परता बढ़ते हुए दोनों आरोपी को पकड़ा है, मौके पर पहुंचा है। बड़ी मुश्किल से उस मुलजिम को काबू में करके, हमारी महिला कांस्टेबल थी उसके भी चोट आई है, बड़ी मुश्किल से काबू करके उस मुलजिम को अरेस्ट किया है, पकड़ा है हमने। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में जोशी मार्ग पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बैंक, जहां पर आज सुबह एक ऐसी वारदात हुई जिसने आम आदमी को ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है। पंजाब नेशनल बैंक पर आज सुबह फायरिंग होती है बैंक के कर्मचारियों पर। दरअसल दो नकाबपोश बदमाश यहां पर बैंक लूटने की नीयत से आते हैं हथियार हाथों में लेकर के, और 9:30 बजे बैंक खुलता है। 9:45 के करीब बदमाश बैंक में प्रवेश करते हैं और उस वक्त बैंक में मौजूद 3 कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर डरा धमका कर एक कमरे में बैठा दिया जाता है। और होता यूं है कि इसी दौरान जब ये पूरा खेल चल रहा था, बैंक के जो कैशियर हैं नरेंद्र सिंह शेखावत बैंक में प्रवेश करते हैं और उसी वक्त उन आरोपियों ने, उन बदमाशों ने कैशियर के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, गोलियां बरसा दी और इस पूरे घटना में नरेंद्र सिंह शेखावत के पेट में 3 गोलियां लगी। हालांकि उनका अभी इलाज जारी है, मगर एक बार क्राइम सीन पर जहां हम पहुंचे हैं वहां का नज़ारा मैं एक बार दिखाना चाहूंगी। पुलिस यहां पर मौजूद है भारी जाब्ते के साथ, मगर ये वो बैंक जहां पर आज सुबह इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, इस बैंक में टोटल 8 कर्मचारी काम करते हैं, मगर जब सुबह बैंक खुला तो 3 कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे और बैंक क्योंकि सुबह सुबह खुला ही था तो बैंक की जो रोज़ाना की जो कार्यप्रणाली है उसे शुरू करने की कवायद की जा रही थी, मगर कुछ ही देर में जो नकाबपोश बदमाश थे वो यहाँ पहुँचते हैं और पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। बैंक के कैशियर को पेट में गोली लगी है जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। वहीं यदि बात करें एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई की तो उनका कहना है कि शायद ये जो आरोपी है लंबे समय से यहाँ पर लगातार रेकी कर रहे थे और तभी उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके के बाद आरोपियों ने, इस पूरी घटना के बाद में आरोपियों ने भागने की कोशिश की, मगर आसपास मौजूद लोगों की तत्परता ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई भी कर दी। वहीं दूसरा आरोपी भाग निकला था, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ, पैर में चोट लगी हुई थी, जिसके बाद में पुलिस ने अंदेशा जताया कि पैर में लगी हुई चोट के साथ आरोपी ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता है। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया, हर तरफ नाकेबंदी करवा दी गई और पुलिस की तत्परता से तकरीबन 12:30 बजे के आसपास ही दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति हमारे साथ है जो इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह है और इन्होंने कहा है कि एक आरोपी को पकड़वाने में इनकी बड़ी भूमिका है। क्या नाम है आपका? मैं रमा शंकर शर्मा है मेरा नाम जी। रमा शंकर जी, क्या हुआ था, अपना आंखों देखा हाल एक बार बताएं। इस बैंक के बिल्कुल सामने मेरा जेके टायर का शोरूम है, एकदम से गोली की आवाज आई तो मैं और एक सामने ठेले वाला था वो दोनों भग के आए अंदर। उधर से वो भगा और भगने से एक तो निकल गया, एक वो स्लिप होकर गिर गया यहाँ इस जगह। गिरने के बाद चोट आ गई और उसको दबा लिया गया नीचे, दबाने के बाद उसको रस्सी से बांधा, ये रस्सी रही सामने, ये रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए यहीं और पटक दिया उसके ऊपर बैठ के 2-3 जने, और फिर उसकी पिस्टल वगैरह मैंने उससे खोसी और अंदर बैग में रखवाई। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों में से एक के पास तो डमी पिस्टल थी जो सिर्फ मैंने रखी, हाँ एक तो धमकाने की थी, एक ओरिजिनल थी, ओरिजिनल वाली को तो मैंने उठा करके फिर अंदर रखवा दी। अगर अगर वही पिस्टल उसके हाथ में होती तो न जाने क्या हो जाता, और भी 2-4 आदमी को वो कर देता खलास। तो वो रखा और एक चाबी बरामद हुई उसके पास से, वो चाबी मैंने अंदर बैंक में रखवाई।
उसके बाद फिर भीड़ आ गई, पुलिस वाले आ गए और आने के बाद खूब भगदड़ मच गई। तो उन दोनों को आप लोगों ने पहले भी कभी इस इलाके में देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं सामने शोरूम है, बैंक के अधिकारी मेरे को बोल रहे थे 3 दिन से आ रहे थे ये। 3 दिन से आ रहे थे। तो मैंने मतलब पहले से रेकी कर रहे थे। कल शाम को मैडम बोलती है कि कल शाम को मैंने पूछा भाई ये क्या क्यों रहे बार बार, ये क्या काम है इसका। तो अंधे सा तो रात को ही कहता है शाम को उनको कल, लेकिन उसका कन्फर्मेशन नहीं था कि ये क्लियर हो गया। वो सुबह पहले आई गई। बड़ी वारदात हुई आपके इलाके में, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठते हैं। आप भी इसी इलाके में रहते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सरकार और प्रशासन को? सरकार कम से कम यहाँ कुछ CCTV वगैरह जो रोड पे होने चाहिए वो होने चाहिए, कुछ इंतजाम है। वो जो चेतक वगैरह आती जाती है देखती नहीं है। अभी जैसे ये कांड हुआ उसी टाइम चेतक निकल रही थी, हमने खूब इशारा किया उसको, चिल्लाया लोग बाग, लेकिन वो रुकी नहीं, वो तो निकल गई एकदम से। बताया जा रहा है कि चेतक में एक महिला कांस्टेबल थी, वो रुकती और आरोपी को पकड़ाने कांस्टेबल मैडम वो सामने ही खड़ी मैडम ये थी, ये पहले से अलग से आ रही थी, चेतक में से नहीं उतरी, चेतक तो अलग ही थी, निकल गई थी वो। तो मतलब इन्होंने तत्परता दिखाई? हाँ तत्परता दिखाई मैडम। कैमरामैन से निवेदन करूंगी कि एक बार आप इन महिला कांस्टेबल को कैमरा में जरूर दिखाए, जिनकी तत्परता ने और जांबाजी ने इस पूरी वारदात को होने से लगभग रोक लिया और आरोपी को पकड़ने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। इनसे बात करने की कोशिश भी मैं करूंगी, मगर साथ ही आप देखिए एक बड़ी वारदात आज जयपुर शहर में हुई। दो नकाबपोश बदमाश जो कि लगातार बैंक की रैकी कर रहे थे, यहाँ पर पहुँचते हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। और देखिए महिला कांस्टेबल, क्या नाम है मैम आप? मैडम मेनका कुमारी जी। तो मेनका जी क्या हुआ था एक बार यदि आप हमें बताएं, क्योंकि आप मैं ड्यूटी थी चेतक में, मैं जा रही थी तो उसने जैसे फायरिंग की ये भग रहा था तो पब्लिक को देख के मैं भगी उसको, यहाँ पे पकड़ के इसे यहाँ इस रस्सी से इसके दोनों पैर बांध दिए ताकि वो भग नहीं पाए। दूसरा अपराधी वो तो भग चुका था लेकिन उसको पकड़ लिया हम, मैंने चेतक को फ़ोन किया, चेतक तुरंत आ गई, तुरंत ही ER जो 112 नंबर चली है अभी नहीं वो भी तुरंत मौके पे आएगी। पब्लिक ने उसको मारा पिटा, उसको बचाने के लिए मेरे चोट यहाँ पे आई है और यहाँ कमर में भी चोट दर्द। अभी ठीक है आप? हाँ यहाँ दर्द हो रहा है मैडम थोड़ा, उसको बचा। फिर जैसे चेतक आई उसको चेतक में बैठा के थाने पे रवाना किया था हमारा, तुरंत ही स्टाफ SP साहब SHO साहब हमारे तुरंत सभी मौके पे तुरंत ही आ गए थे जी। तो देखिए ये मेनका कुमारी जी है, राजस्थान पुलिस की एक जांबाज कांस्टेबल जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए, ये दरअसल सुबह जब ये वारदात हो रही थी इसी रास्ते से गुजर रही थी और इन्होंने जब ये वारदात देखी, ये सब होते हुए देखा, ये मौके पर रुकती है और तत्परता दिखाते हुए उस आरोपी को पकड़ लेती है। मैम एक मिनट सर, जो कुछ भी वाकया हुआ क्या कहेंगे? देखिए पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल उठते हैं, जयपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं क्राइम बढ़ रहा है। पुलिस ने तत्परता बढ़ते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ा है, मौके पर तुरंत प्रभाव से आए हैं और कार्रवाई जारी है। दूसरा आरोपी कहां से पकड़ा गया जो भाग गया था? अभी मैं मौके यही हूँ, मौके पर थाने से संपर्क से पता चल पाएगा कब पकड़ा, किस जगह पकड़ा जी। और जो कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत जी ने गोली लगी उनकी तबीयत कैसी है? अभी वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से पता करेंगे, थाने से जाता गया है वो पता करेंगे भी क्या है। तो देखिए राजस्थान पुलिस महकमे की जांबाज पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने आरोपी को मौके से पकड़ लिया और उन्हें फरार होने से पहले ही उन्हें रोक लिया। और इसके साथ ही देखिए कुछ और पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे। कैशियर जिन्हें पेट में गोली लगी, बताया जा रहा है कि 3 गोलियां उन्हें लगी है। जी सर गोलियां लगी है, मैं PCR में था, मेरे को मेनका जी ने कंट्रोल से फोन आया, तुरंत मैं 2 ही मिनट में आ गया, काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो रखी थी, बड़ी मुश्किल से उस मुलजिम को काबू में करके, हमारी महिला कांस्टेबल थी उसके भी चोट आई है, बड़ी मुश्किल से काबू करके उस मुलजिम को अरेस्ट किया है, पकड़ा है हमने कोशिश, और दूसरे मुलजिम के लिए अधिकारियों को तुरंत सूचना। सर आप जैसे जांबाज पुलिस अफसर्स की वजह से ही हम निश्चिंत रह पाते हैं, मगर फिर भी आपको यदि पता होगा विद्याधर नगर की अंबाबाड़ी में सुरंग खोद दी गई थी बैंक को लूटने की नीयत से, इस तरह के जो क्राइम है जयपुर में लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी सर पुलिस हरदम तत्पर तैयार रहती है, हम भी जैसे ही हमारे पास कॉल आया हम तुरंत 100 की स्पीड से रवाना होके आ गए, बैंक का जैसे हमें नाम मिला कि बैंक में रोबरी हो गई, हम बिना देखे बिना सोचे समझे तुरंत मौके पर पहुंच गए सर। और रही बात वो सुरंग वाली, सुरंग ऐसी वारदातों का भी हम ध्यान रखते हैं, जैसे हमें कोई मालूम चलता है तो उसको चेक करते हैं और किसी आदमी को चेक करते हैं, अब उसके पास पटाखे वाली माचिस में पटाखे आते हैं ना, वो पटाखे भी विस्फोट करने के लिए थे मुलजिम के पास,
एक राउंड था वो भी मिला है उसके पास, ये बात है सर। तो देखिए पुलिस ऑफिसर से इनके आंखों देखा हमने जाना क्या कुछ मौके पर हुआ, उससे हमने आपको मुखातिब करवाया। देखिए वारदात अपने आप में बेहद बड़ी है, हालांकि इसे समय रहते रोक लिया गया, एक बड़ी वारदात होने से बच गई, बचा लिया गया, मगर कैशियर जो कि रोज़ाना की तरह अपना काम करने के लिए बैंक में पहुंचा था, उन्हें खामखा तीन गोलियां लग गई। देखिए जो दो आरोपी है, बताया जा रहा है कि उनमें से एक के पास तो डमी पिस्टल थी जो सिर्फ डराने और धमकाने के लिए उनके हाथ में रखी गई थी, वहीं दूसरे आरोपी के पास में कंट्री मेट हथियार है जिससे उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कैशियर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, तीन गोलियां उन्हें लगी है। वहीं वो महिला कांस्टेबल जो आरोपी को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची थी, पकड़ा था, उन्होंने बताया कि उनके सिर में और उनके बैक में यानी कमर पर भी उन्हें चोट लगी है। पुलिस की तत्परता कह लीजिए और इसके साथ ही आसपास के लोगों की तत्परता और समझदारी की वजह से एक आरोपी तो मौके पर ही पकड़ लिया गया था, दूसरा आरोपी भाग निकला था, मगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तकरीबन 12:30 के आसपास उसे भी पकड़ लिया। देखिए वारदात लगातार जयपुर में इस तरह की बढ़ती जा रही है जो कि पुलिस प्रशासन और सरकार पर और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। इससे कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा विद्याधर नगर की अंबाबाड़ी में बैंक लूटने की नीयत से जो आरोपी थे, जो चोर थे, उन्होंने ज़मीन के अंदर सुरंग खोद डाली थी और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आरोपियों ने एक साथ तीन बैंकों को अपने निशाने पर रखा था और तीन बैंक क्योंकि पंजाब वहां पर पीएनबी बैंक था और एक एसबीआई बैंक था और उसके सामने एक और बैंक था, इन तीन बैंकों को लूटने के लिए उन आरोपियों ने ज़मीन के अंदर सुरंग खोद डाली जो कि तकरीबन 5-6 महीने से वो लगातार खोद रहे थे और आप यकीन नहीं मानेंगे कि किसी को इसकी कानो कान भनक भी नहीं लगी। वो तो उस दिन क्योंकि वो सब्जी मंडी का एरिया वहां पर था जिसके नीचे से सुरंग खोदी गई थी, वहां पर सुबह जब आलू एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रक पहुंचता है तो जमीन धुंध खोखली होने की वजह से ट्रक के वजन से जमीन जब अंदर बैठ जाती है तो इस बात का खुलासा होता है कि वहां पर सुरंग खोदी गई है और उसके बाद पुलिस को इस मामले की तला की जाती है और वो बड़ी वारदात होने से भी पुलिस अपनी तत्परता दिखाते हुए उन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेती है और बड़ी वारदात होने से रोक ली जाती है। मगर जिस तरह की ये वारदातें लगातार हो रही है उसके बाद आम आदमी में, आमजन में भय का माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल लगातार जो आम जन है वो प्रशासन से कर रहे हैं कि आखिर हम कहां सुरक्षित हैं, क्योंकि कोई भी आता है हाथ में पिस्टल लेकर और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर चला जाता है। हालांकि राजस्थान पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, जैसा कि आप सभी को पता है कि तत्परता के साथ दोनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्यवाही जो है शुरू की जाएगी। आगे फिलहाल कैशियर को प्राइवेट हॉस्पिटल में राजस्थान पुलिस की ओर से एडमिट कराया गया है और उनकी तबीयत फिलहाल नासाज बताई जा रही है क्योंकि बताया गया है कि उन्हें तीन गोलियां लगी है जिनमें से एक या दो गोली तो उनके पेट में लगी है। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक में आज जो ये जो वारदात हुई है उस पर आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहेंगे इन तरह के मामलों को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ पंजाब केसरी राजस्थान।